सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम आदर्श गैस, आइडियल गैस और वास्तविक गैस, रियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, अंतर होता है, आज हम पढ़ेंगे। आइडियल गैस किसको कहते हैं कि वह गैस जो चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो के नियमों का पालन करती है। तीन नियम, चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो नियम, इन यानी कह सकते हैं कि गैस के नियमों का पालन करती है वो गैस हमारे पास आदर्श गैस कहलाएगी। तो आइडियल गैस किसको कहेंगे जो चार्ल्स नियम है, चार्ल्स नियम, बॉयल नियम, बॉयल नियम और एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करती है, परफेक्टली फॉलो करती है। तीन नियम, चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो के नियम का पूर्णतः परफेक्टली पालन करने वाली गैस को हम आदर्श गैस कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन ये मालूम होना चाहिए कि आदर्श गैस वास्तव में क्या होती है। तो आदर्श गैस होती है वो चार्ल्स बॉयल और एवोगैड्रो के नियमों का पालन करने वाली जो गैस होती है, पूर्णतः पालन करने वाली, उन गैसों को हम आदर्श गैस कहते हैं। और जो गैस इन नियमों का पालन नहीं करती, केवल उच्च ताप यानी टेम्परेचर को हाई कर देने ताप और निम्न दाब, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही ये जो गैस होती है वो गैस के नियमों का पालन करती है। बाकी सामान्य ताप पर ये जो गैसें होती है, वास्तविक गैस जिसको हम रियल गैस कहते हैं, ये गैस के नियमों का पालन नहीं करती है। पहला नियम, पहले पॉइंट क्या रहेगा, ये सभी गैसों के नियमों का पालन करती है, ये सभी गैसों के नियमों का पालन नहीं करती, केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही वास्तविक गैस गैस के नियमों का पालन करती है। दूसरा मैंने लिखा गैस के अणु के आयतन, गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। जैसे मान लो कि गैस का आयतन है मान लो पूरा, और ये हमारे पास अणु का आयतन, इस पूरे अणु के आयतन की तुलना में ये आयतन को हम नगण्य मान सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि गैस जो आदर्श गैस होती है उसके अणुओं का जो वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि वो पॉइंट साइज होता है, बिंदु के आकार का। तो आदर्श गैस के अणुओं का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इसे नोट कर लेना कि जो गैस के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोसूक्ष्म होते हैं, जिनका आकार हम नगण्य मान सकते हैं। तो दूसरी विशेषता ये होती है कि आदर्श गैस के अणु का आकार गैस के आयतन की तुलना में, गैस के आकार की तुलना में नगण्य होता है। इधर देखो ये आयतन, अब इसको हम नगण्य नहीं मान सकते रियल कंडीशंस में। तो रियल गैस में क्या हुआ कि आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते, कुछ न कुछ अणु का भी आयतन होता है, ये रियल गैस से संबंधित होता है। यानी कह सकते हैं कि आदर्श गैस के अणु का आकार गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, जबकि वास्तविक गैस के अणु का आयतन, जो गैस का आयतन होता है उसकी तुलना नगण्य नहीं होता, उसको निग्लेजिबल नहीं मान सकते। अब इतने बड़े आयतन में इतना छोटा आयतन है उसको निग्लेजिबल मान सकते हैं, लेकिन यदि इतना बड़ा आयतन है, छोटा सा आयतन है, उसमें इतने बड़े अणु हैं मॉलिक्यूल्स, उसको हम निग्लेजिबल नहीं मान सकते हैं। तीसरा हमने लिखा ताप और दाब की सही परिस्थिति में अणु के आकर्षण बल को नगण्य माना जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आदर्श गैस के अणु के बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं लगता है, गैस के अणु को एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते, यानी कौन से गैस के अणु, आदर्श गैस के अणु, यानी आदर्श गैस के अणु के बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो नगण्य होता है, निग्लेजिबल होता है, जबकि इसमें क्या होता है, नगण्य नहीं होता, निग्लेजिबल नहीं होते। गैस के अणु जब पास पास में हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम मॉलिक्यूल से जब आयतन कम हो जाएगा तो पास पास में आ जाएंगे, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जो वास्तविक गैस होती है उसमें अणु को हम निग्लेजिबल, उसका जो आकर्षण बल होता है उसको हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। यह आदर्श गैस समीकरण का पालन करके पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो आइडियल गैस होती है वो आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ रखी है पीवी इक्वल टू एनआरटी का पालन करती है, और जो ये वाली जो वास्तविक गैस होती है, जो वांडरवाल समीकरण होती है, वांडरवाल इक्वेशन होती है, उसका पालन करती है। और वांडरवाल समीकरण क्या होती है, पी प्लस ए एन एन स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये जो समीकरण होती है वांडरवाल समीकरण कहलाती है। इसको हम डेराइव करेंगे अगले वीडियो में
कि वैन डेर वाल्स समीकरण का पालन करती है और ये आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। तो यहाँ पर हमने जो गैस के बारे में पढ़ा था आदर्श गैस, तो वास्तविक गैस भी आदर्श गैस बन सकती है, कब? जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, अणु दूर दूर हो जाएंगे और मॉलिक्यूल के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगेगा। तो सामान्यतः जितनी भी गैस होती है वो वास्तविक गैस रियल गैस ही होती है, एक आइडियल गैस एक हाइपोथेसिस होती है, यानी काल्पनिक होती कह सकते हैं आप, वास्तव में प्राप्त नहीं होती। जितने भी गैसें होती वो रियल गैस ही होती है। अब यदि उसको रियल गैस को यदि आइडियल गैस बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को टेम्परेचर को हाई कर दे। टेम्परेचर हाई करने से क्या हो कि अणु दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे और दूर दूर होने के कारण से उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो वो गैस क्या बन जाती है, आदर्श गैस बन जाती है। एक बात इसमें यह ध्यान रखना है कि जो आदर्श गैस के अणु के बीच में टक्कर होती है, कोलिजन होता है, वो इलास्टिक होता है। गैस के अणु के बीच में जो टक्कर होती है, कोलिजन होते हैं, वो इलास्टिक प्रत्यास्थ संघट होता है। मतलब जितनी ऊर्जा मान लो कि कहूँ आ रहा है वो दूसरे अणु से टकराता है, जिसने इसको ऊर्जा दी वापस ये अणु इसको उतनी ऊर्जा वापस दे देता है, यानी एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। उस कोलिजन को, उस टक्कर को प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जो टक्कर होती है वो प्रत्यास्थ होती है, कोलिजन जो होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। इसमें जो टक्कर होती है अणुओं की वो अप्रत्यास्थ, मतलब ऊर्जा की हानि हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये हमारा दोनों भी डिफरेंस अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पहला हमने लिखा कि ये गैस के सभी नियमों का पालन करती है, कि गैस के सभी नियमों का पालन नहीं करती है। इसका जो अणु का आयतन होता है उसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसमें गैस के अणु का आयतन को हम नगण्य नहीं मानते हैं। इनके अणु के बीच में आकर्षण बल नहीं लगता है, इनके अणु के बीच में आकर्षण बल लगता है। और इसमें जो PV=nRT का पालन होता है, इसमें जो हमारे पास वैन डेर वाल इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, उसका पालन होता है। फिर हमने देखा कि इसके जो समीकरण कोलिजन होते टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, परफेक्टली कोलिजन जो होता है वो इलास्टिक होता है, इसमें जो टक्कर होती वो प्रत्यास्थ नहीं होती, इन इलास्टिक होती कह सकते हैं, अप्रत्यास्थ संघटक होता है। और ये जो होती है हाइपोथेटिकल गैस होती है, डू नॉट रियल एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट, एक तरह से काल्पनिक गैस होती है जो एनवायरमेंट में क्या होती है अपने को प्राप्त नहीं होती है। और ये जो होती है रियल गैस होती है जो एनवायरमेंट में अपने को मिल जाती है। सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें होती है जो आदर्श गैस की तरह बिहेवियर करती है, बाकी जो दूसरी गैसेस होती है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है। आदर्श गैस तभी बनेगी जब टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, उस स्थिति में गैस के अणु दूर दूर हो जाएंगे और न तो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे और नहीं प्रतिकर्षित करते, उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता, वही गैस आदर्श गैस कहलाएगी। तो कभी मान लो क्वेश्चन आता है कि आदर्श गैस कब बनती है, तो क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप व निम्न ताप, लो प्रेशर पर ही कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार या बिहेवियर करेगी। तो उच्च ताप व निम्न दाब पर ही कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इस तरह से दोनों के अंतर अपने को क्लियर होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।